हेलो एवरीवन माय सेल्फ डॉक्टर सुमित असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल साइंस जैसा आप यहां देख रहे हैं आज हम केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रुप थ्योरी को यहां डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान थोड़ा नेचर की ओर लेके जाऊं तो हम देखते हैं कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम काफ़ी बार गौर भी करते रहते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ईश्वरीय शक्ति ने नेचर में सभी को एक निश्चित ज्योमेट्री में कैद करने की कोशिश की है या यूँ कह सकते हैं हम कि नेचर है उसको सिमेट्री से कोई ना कोई विशेष प्रकार का लगाव है दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि सिमेट्री नेचर की कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अर्थात सिमेट्री है वो नेचर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है नेचर की जब हम बात करते हैं तो नेचर है वो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई है जिनकी वेराइंग डिग्री ऑफ सिमेट्री है जब बात हम ऑब्जेक्ट्स की करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स चाहे लिविंग लिविंग हो हो या नॉन चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो सभी के सभी मोलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं तो सबसे पहले हम इस कड़ी में सिमेट्री को डिफाइन करते हैं सिमेट्री क्या है सिमेट्री इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोलिक्यूल्स एंड इज क्वाइट इंटीमेट विद दियर ज्योमेट्री यानी सिमेट्री जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी मॉलिक्यूल की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसका उसकी ज्योमेट्री के साथ में रिलेशन है दूसरे शब्दों में हम यू कह सकते हैं कि सिमेट्री इज एन इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट थीम फॉर डिफाइनिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि सिमेट्री जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इसेंशियल और इंपॉर्टेंट थीम है आगे जब हम बात करते हैं सिमेट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे पहले पाइथोगोरस और प्लेटो जो कि दोनों ही ग्रीक फिलोस थे उनके द्वारा दिया गया आगे हम ग्रुप थ्योरी को डिफाइन करते हैं कि ग्रुप थ्योरी वास्तव में क्या है ग्रुप थ्योरी द सिमेट्री रिलेशनशिप इन द मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ए मैथमेटिकल थ्योरी कॉल्ड ग्रुप थ्योरी यानी जो सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर का वो मैथमेटिक्स की एक जो थ्योरी है उसको प्रोवाइड करता है और उसे ही हम क्या कहते हैं ग्रुप थ्योरी कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं ग्रुप थ्योरी कहते हैं द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी इज प्रीडोमिनेंटली एल्जेब्रा यानी हम देखते हैं कि मैथ्स की खूब सारी ब्रांच है उनमें ग्रुप थ्योरी है उसका रिलेशन किसके साथ है एल्जेब्रा के साथ है आगे जब बात करते हैं सिंस ऑल मोलिक्यूल आर सर्टेन ज्योमेट्रिकल एंटिटीज द ग्रुप थ्योरी डीलिंग विद सच मोलिक्यूल्स इज ऑल्सो कॉल्डेबरा ऑफ ज्योमेट्री यानी प्रत्येक मोलिक्यूल जो भी है उनकी क्या होती है कोई ना कोई फिक्स ज्योमेट्री होती है तो अगली कड़ी में हम ग्रुप थ्योरी की जो समराइज वे में हम क्या कहते हैं कि मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री इज कोल्ड ग्रुप थ्योरी यानी ग्रुप थ्योरी जो है वो मैथमेटिकल स्टडी है किसकी सिमेट्री की, symmetry की? उसे ही हम क्या कह रहे हैं ग्रुप थ्योरी कह रहे हैं समराइज वे के अंदर यानी शॉर्ट में कहें अब जो ग्रुप थ्योरी है उसका फाउंडेशन वर लेड इन नाइनटीन सेंचुरी बाई फ्रेंच मैथेमेटिशन ई गलोइस एंड यूरोपियन मैथेमेटिशियन जोर्डन यानी जो ग्रुप थ्योरी है उसका फाउंडेशन किन दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था फ्रेंच के गलोइस के द्वारा और यूरोपियन जॉर्डन के द्वारा दिया गया था जब ग्रुप थ्योरी है उसको केमिस्ट्री पे अप्लाई करने की बात आती है तो ग्रुप थ्योरी केमिस्ट्री पर अप्लाई की किन के द्वारा की गई थी वेल और विग्नार नामक साइंटिस्ट के द्वारा ग्रुप थ्योरी को सबसे पहले केमिस्ट्री पर अप्लाई किया गया था नेक्स्ट कड़ी में हम सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन को पढ़ रहे हैं तो सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन को डिफाइन करने से पहले कुछ बातें हम देख रहे हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट है उसे हम सिमेट्री के एस्पेक्ट में डिस्क्राइब करते हैं जब किसी मोलिक्यूल में एक निश्चित पैटर्न को बनाने के लिए एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक रेगुलर रिपेटिक वे में रिपीट होते हैं तो सिमेट्री अराइज होती है कोई भी मोलिक्यूल है उसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जब एक निश्चित पैटर्न को बनाने के लिए रेगुलर रिथमेटिक वे में रिपीट होते हैं तो क्या अराइज होती है सिमेट्री अराइज होती है इस रिलेशन सॉरी इस रिपीटेटिव पैटर्न और टोटल अमाउंट ऑफ सिमेट्री को डिस्क्राइब करने के हमें लिए हमें सिमेट्री ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है जो कि अपने से संबंधित सिमेट्री एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं या यूं कह सकते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन का एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशन है यानी वो एक दूसरा एक है वो दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता जैसा कि कुछ हमारे और हमारी छाओं के बीच में यानी ऑब्जेक्ट और उसकी सैडो के बीच में रिलेशन है वैसा ही कुछ रिलेशन किन के बीच में है सिमेट्री सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री के बीच में है। तो सबसे पहले हम यहां सिमेट्री एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट इज ए ज्योमेट्रिकल एंटिटी सच एज ए पॉइंट ए लाइन और ए प्लेन अबाउट विच ए सिमेट्री ऑपरेशन इज परफॉर्मड यानी सिमेट्री एलिमेंट क्या है कोई पॉइंट है या कोई लाइन है या कोई प्लेन है जिसके थ्रू सिमेट्री ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है यानी अप्लाई किया जाता है सिमेट्री ऑपरेशन को जब डिफाइन करते हैं सिमेट्री ऑपरेशन इज द मूवमेंट ऑफ ए मोलिक्यूल अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट इन सच ए मैनर दैट रिजल्टिंग कॉन्फ्रिगेशन ऑफ मोलिक्यूल इज इनडिस्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल यानी जो सिमेट्री ऑपरेशन है उसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल को जब देखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि मॉलिक्यूल है वो वैसा का वैसा ही हमें प्राप्त होता है जैसे हम बात करें एक सिंपल सा एग्जाम्पल एच लेते हैं ये एच आप देख रहे हो एच की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम इससे हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन अटैच है तो यहां हम देख रहे हैं कि इसके अंदर C2 जब हम अप्लाई करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर हमें क्या हो रही है प्राप्त हो रही है यहां इक्वलेंट और इनडिस्ट्रिगेंसीबल कॉन्फिग्रेशन का मतलब क्या है इनिशियल और ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन जो मोलिक्यूल का है वो ही इनडिस्ट्रिंगल या इक्वलेंट कॉन्फिग्रेशन कहलाता है अब अब बात करें सिमेट्री ऑपरेशन की तो रोटेशन रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन ये कुछ सिमेट्री ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीमेट्री एलिमेंट्स सीमेट्री एलिमेंट्स के जो प्रकार हैं उनको हम आगे विस्तार से डिफाइन करेंगे वन बाई वन लेकिन यहां हम इनको देख रहे हैं तो सीमेट्री एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल पांच प्रकार के होते हैं फर्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ सीमेट्री जिसको हम सी एन से डिनोट करते हैं फर्स्ट है एक्सिस ऑफ सीमेट्री जिसे हम किससे डिनोट कर, कर रहे हैं सी एन से डिनोट कर रहे हैं सेकेंड है प्लेन ऑफ सीमेट्री प्लेन ऑफ सीमेट्री को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं

विथ एग्जाम्पल्स विस्तार से पढ़ेंगे और फोर्थ है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे हम ई e से डिनोट करते हैं हर एक मोलिक्यूल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है यानी हर मोलिक्यूल में आइडेंटिटी एलिमेंट कन्फर्म होता है बाकी चाहे हो या न हो आगे हम सिमेट्री एलिमेंट और उनसे संबंधित जो कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन हैं उनको वन बाई वन देखते हैं तो सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट हम आइडेंटिटी लेते हैं द ऑपरेशन लिव द मोलिक्यूल अनचेंज यानी आइडेंटिटी अप्लाई की उस मोलिक्यूल पे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा और हर मोलिक्यूल में आइडेंटिटी कंफर्म होगी यह बात ध्यान रखनी है आपको नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इससे रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है रोटेशन बाय एन एंगल ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल ओबेन इक्वलेंट स्ट्रक्चर अबाउट एक्सिस जैसे हम एस्टो की बात कर रहे थे अभी एस्टो के अंदर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेते हैं मान लो कि ये हमारी जेड एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, है और ये वाई एक्सिस है तो ये जो एस्टो मोलिक्यूल है इसमें ये जेड एक्सिस है इसके थ्रू हम वन एट्टी के एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं ओरिजिनल मोलिक्यूल जैसा था जैसी उसकी इनिशियल स्ट्रक्चर थी वैसा का वैसा मोलिक्यूल हमें प्राप्त हो रहा है तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन इन प्लेन। कोई भी मोलिक्यूल है जैसे हम यहाँ पर बात करें कि ये हमने जेड एक्सिस ली ये हमने एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस ली तो जेड और वाई एक्सिस के थ्रू जब इस मोलिक्यूल को हम क्या करते हैं बीचों बीच से यू लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये इधर इधर आएगा और और हमें जैसा है वैसी की वैसी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें प्लेन में वो सिमेट्री ऑपरेशन किस से रिलेटेड हो गया सिमेट्री एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड हो गया नेक्स्ट है इम्प्रोपर एक्सिस ऑफ सीमेट्री इम्प्रोपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है दो सिमेट्री एलिमेंट एक साथ होते हैं यानी यहां दो तरह के ऑपरेशन हैं उनको हम एक के बाद दूसरे को अप्लाई करते हैं और फिर हमें इम्प्रोप्रेक्सिस ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड सिमेट्री एलिमेंट है वो मिलता है तो देखिए इसमें क्या करते हैं सबसे पहले रोटेशन अबाउट दी एक्सिस जैसा कोई भी एग्जाम्पल अपन लेंगे सी एच फोर है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां लेंगे तो इम्प्रोप्रेक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है रोटेशन अबाउट द एक्सिस फॉलोड बाई द रिफ्लेक्शन इन द्लेन परपेंडिकुलर दिन भी एक्सिस के थ्रू हम सबसे पहले उसको रोटेट करेंगे और उसके परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे और हमें जो मोलिक्यूल हमारा ओरिजिनल था वैसा का वैसा मोलिक्यूल हमें प्राप्त होगा नेक्स्ट है इन्वर्जन सेंटर इन्वर्जन सेंटर में क्या होता है इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम्स द मोलिक्यूल थ्रू द इनवर्जन सेंटर जैसे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां लें ये आपका पीसीएल फाइव है पीसीएल फाइव में जब हम देखें कि इनवर्जन सेंटर है या नहीं है तो हम देख रहे हैं ये सेंटर है इमेजनरी पॉइंट है जिससे हमने इधर लाइन ड्रॉ की इधर भी लाइन ड्रॉ की हर साइड आपको लाइन ड्रॉ करके देखना है कि दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपको मिल रहे हैं तो उसमें क्या है इनवर्जन सेंटर है अदरवाइज नहीं है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जेड एक्सिस के थ्रू तो क्या है दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे क्या मिल रहे हैं सीएल मिल रहे हैं लेकिन जब हम इस लाइन को इधर मेरी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं और आपकी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरी तरफ एक फिक्स डिस्टेंस पे आपको सीएल मिल रहा है लेकिन आपकी तरफ नहीं मिल रहा है इसका मतलब इस मोलिक्यूल में क्या नहीं है इनवर्जन सेंटर नहीं है दूसरा अपन एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं ये आपका बी सी एल टू है BCl2 में आप क्या देख रहे हो कि सेंट्रल एटम से जब हम इधर चलते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे हमें क्या मिल रहा है क्लोरीन मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है इस साइड गए कोई भी एटम नहीं मिल रहा है उसके विपरीत आप गए कोई एटम नहीं मिल रहा है यानी हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है इसमें इन्वर्जन सेंटर है इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम्स थ्रू द इनवर्जन सेंटर यहां से हमने इनको क्या कर दिया इनवर्ट कर दिया और वो की वो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रही है इसका मतलब इसमें क्या है इनवर्जन सेंटर है तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम सिमेट्री एलिमेंट्स जो है उनको वन बाई वन विस्तार से पढ़ेंगे एक लेक्चर में अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे नेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार हम उनको विथ एग्जाम्पल विथ मॉडल बड़े आराम से समझते हुए चले जाएंगे और लास्ट में आपको ऐसा फील होगा कि जो ग्रुप थ्योरी में सिमेट्री एलिमेंट है उसके बाद हमें पॉइंट ग्रुप वगैरह निकालने हैं और आगे भी जाना है वो सारी चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात हम करें कि सी एस आई आर की जो नेट जे आर एफ वगैरह हैं गेट है इसके अलावा ओ एन जी सी एन टी पी सी है आर पी एस सी के द्वारा स्कूल लेक्चर की एग्जाम हो चाहे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो हर एग्ज़ाम में यहाँ से कम से कम दो क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेंगे तो मैं चाहूँगा कि अगला जो वीडियो है उसमें जब आप सीमेट्री एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप साथ में एक नोटबुक लेंगे और उनको थोड़ा सा नोट करेंगे और दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ताकि आपको इजीली ये समझ में भी आ जाए धन्यवाद